हे की हाल चाल लौंडो, सब बढ़िया और मस्त, आगे बढ़िया और मस्त ना। तो इसमें बात करने वाले हैं हम ओबी 36 में कौन सा हमें इवो गन देखने को मिलेगा, इवो M4A1, इवो AN94 या स्कार 2.0। एकदम कंफर्म रेट शेयर करूंगा कौन सा देखने को मिलेगा और एक पॉसिबल डेट भी निकल गया है वो भी बताऊंगा। साथ ही हमारे इवो AN9 के थीम पे बहुत सारे आइटम्स के वीडियो भी निकल गए हैं। कुछ आइटम्स को मैंने आपको दिखाया था जैसे बाइक स्किन, डेथ बॉक्स एंड अभी और भी आइटम्स के वीडियो भी निकल गए हैं, तो उनके वीडियो भी दिखा दूंगा। और कुछ हमारे अपकमिंग इवेंट्स के रिलेटेड अपडेट्स एंड एडवांस सर्विस से कुछ अपडेट्स और आपके कमेंट से उनका रिप्लाई करूंगा, तो काफी अपडेट्स हैं। बस आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं वीडियो स्टार्ट करने में लेट नहीं करूंगा, स्टार्ट कर लूंगा फटाक से। पर उससे पहले अगर आप लोग नए हो ना चैनल पे तो भाई अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो एंड एक लाइक कर देना यार, और अभी कर दोगे तो ज्यादा सही है क्योंकि लाइक से बहुत ज्यादा असर पड़ता है वीडियो में, प्लस मोटिवेशन तो मिलता ही है। तो हाँ भाई प्लीज एक लाइक कर देना एंड ज्यादा नहीं यार, एक फ्रेंड के साथ अपने प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज ही के दिन हमें हमारे गेम में देखने को मिला इनक्यूलेटर 50% ऑफ। अगर आप लोगों का कॉस्ट्यूम निकालना था बिंदास स्पेन कर निकाल सकते हो, नहीं तो नाइन बचा के रखो। नेक्स्ट इनक्यूलेटर हमारा AWM का होगा जो आप स्क्रीन में देख सकते हो रिव्यू, एंड इसका रिव्यू मैं काफी दिनों पहले से दिखाया हुआ हूं एंड बता भी दिया था कि नेक्स्ट इनक्यूलेटर हमारा AWM का ही होगा। तो हाँ भाई 4-5 दिन बचे हुए अभी बिंदास, अगर कॉस्ट्यूम नहीं निकालना तो नाइन बचा के रख लो, गन स्किन निकाल लेना या कॉस्ट्यूम पसंद है तो आज स्पेन करके निकाल लो, ज्यादा सही रहेगा। एंड AWM के स्किन काफी ज्यादा ओपी होने वाले हैं और काफी बंदे इसके लिए रेडी है वाउचर वगैरह इकट्ठा करके। मेरे पे भी 21+ वाउचर है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखता हूँ निकलते हैं नहीं निकलते हैं एंड आप लोग भी निकालना, और कितने वाउचर हैं आप लोगों के पास इंक्लूडेड वाउचर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और 3 दिन बचे हुए हमारे पिंक डायमंड वाले इवेंट का खत्म होने में, तो अगर आप लोगों ने डायमंड इकट्ठा कर रहे हो आइटम एक्सचेंज नहीं किए हो तो कर लो यार, कहीं भूल ना जाओ क्योंकि ये दोबारा रिटर्न नहीं आएगा, तो फिर अगर डायमंड बच जाते ना तो वो बेकार जाएंगे। तो इससे अच्छा जो भी जितने भी डायमंड इकट्ठा हुए उस हिसाब से आइटम एक्सचेंज कर लो, एंड कौन कौन सा आइटम लिए कमेंट में जरूर बताना। मैंने बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। वुड फिकर का प्लस ग्रोजा का और एक करेक्टर प्लस जिप्सी का भी स्किन ले लिया हूं। एंड अभी कुछ इकट्ठे हुए हैं टोकन स्टोन से, कुछ आइटम और ले लूंगा। और आप लोगों ने क्या क्या लिया कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और एडवांस सर्विस अपडेट निकल कर हमारे ओल्ड गन का जो बहुत दिन पहले आया था पर हमारे गेम के अंदर से रिमूव हो गया था बीच में, एंड फिर से हमें देखने को मिलेगा गन, और ये गन का नाम रहने वाला है शील्ड गन, जिसका वीडियो आप स्क्रीन में देख सकते हो। एंड ये गन को बीच में रिमूव किया गया था और दोबारा से लाया जा रहा है, और भी 36 बाद हमें गन के अंदर देखने को मिल जाएगा एंड इसका डैमेज को बढ़ा दिया गया है और शील्ड भी थोड़ा मोड़ा काम कर रहा है, तो वीडियो में दिख रहा है आप देख सकते हो स्क्रीन में, पर ऐसा कुछ खास पता नहीं चलता वीडियो वगैरह देख के, तो ओबी 36 के बाद ही पता चलेगा गन कैसा काम करता है, जब खुद यूज करेंगे तभी खुद का पता चलता है ना भाई गन कैसा ओपी है जो भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो अभी तो वेट करो एंड कन्फर्म है ओबी 36 के बाद हमें ये गन दोबारा से हमारे गेम में देखने को मिल जाएगा, तो चलाना मजे करना। एंड फर्स्ट कमेंट, हेलो भाई आपने कहा था इवो इसका 2.0 आने वाला है लेकिन एक यूट्यूबर कह रहा है वो इवो कटाना का स्किन है, तो ब्रो मेरे को नहीं पता यार ऐसा लिख कौन दे रहा है, पर आप वीडियो भी स्क्रीन में देख सकते हो एंड यहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ है स्कार, तो इससे पहले हमें एक स्कार स्किन देखने को मिल चुका है और दूसरा स्कार लिखा है मतलब स्कार 2.0 ही होगा भाई, नॉर्मल सी बात है। और बाहर के जो बड़े बड़े डाटा माइनर्स है बाहर के सर्वर के वो भी यही बोल रहे कि भाई ये वो स्कार ही है, तो देखो भाई ऐसा कौन बोल रहा है कुछ कन्फर्म तो मुझे नहीं पता, पर ठीक है यार कोई भी डाटा माइनर्स वगैरह होगा उसको कुछ अपडेट मिलेंगे तो बता रहा है, तो देखो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है बस इफेक्ट निकल गया है, तो आगे चल के चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, गिरना कर देता आप लोगों को मालूम ही है, तो अभी तो वेट करो जब फुल रिव्यू निकल गया तभी फुल कन्फर्म पता चलेगा कि क्या होने वाला है इसका सीन, अभी तो इवो स्कार ही मैं बोलूंगा क्योंकि स्कार लिखा हुआ भाई। एंड जब कटाना लिख के आ जाएगा, कटाना का रिव्यू निकल जाएगा मतलब फुल रिव्यू निकल आ जाएगा तभी पूरा कंफर्म अपडेट हो जाएगा क्या होने वाला क्या नहीं, तो फिक्स नहीं बोल सकते ये कटाना का स्किन है या स्कार का स्किन है, बस अभी वेट करना है जैसे फुल रिव्यू निकल गया, फुल रिव्यू हमारा अपडेट जिस दिन होगा ना गेम का उसके एक दिन आगे या उस दिन देखने को मिलेगा, तो उस दिन वेट करो जैसे अपडेट निकल आएंगे सबसे पहले रिव्यू शेयर करूंगा एंड कंफर्म बता दूंगा कि क्या सीन रहने वाला है इसका, पर इतना कंफर्म है स्कार लिखा है तो स्कार, नहीं तो कटाना अगर जैसे आप बोल रहे कटाना तो क्या पता कटाना निकल जाए, पर कटाना ऐसा कुछ मतलब कटाना इवो कटाना क्या सीन रहने वाला है, जब तक फुल कंफर्म रिव्यू निकल के नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता कटाना के रिलेटेड, पर जो भी हो कुछ दिन वेट करो अपडेट जरूर निकल आएगा, मैं अपने साथ शेयर कर दूंगा। एंड यही हमारा फर्स्ट और लास्ट कमेंट था, और ऐसा कमेंट नहीं थे जिसको मैं वीडियो में रिप्लाई करूं, तो जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, एंड आप लोग जानते ही हो मैं सारे कमेंट्स का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करता ही हूं, पर उनमें से कुछ ऐसे कमेंट जिनका लगता है कि भाई अपडेट्स हैं सबको इसके रिलेटेड अपडेट पता चलना चाहिए उनको मैं वीडियो में रिप्लाई करता हूं, तो आपका भी नाम आ सकता है वीडियो में, कमेंट में कमेंट एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट को पिकअप कर वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा, एंड अगर वीडियो में रिप्लाई नहीं करता हूं तो मैं बोला अभी कमेंट से कमेंट कर रिप्लाई कर दूंगा, और टेलीग्राम चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, प्लस अभी आपके स्क्रीन में थंबनेल शो हो रहा होगा, अगर आप लोगों को जानना है नेक्स्ट इवो बनले न्यू इवो बन के रिलेटेड या हमारे नेक्स्ट ओल्ड रिटर्न इवो बन के रिलेटेड या नेक्स्ट रिटर्न इवो बन के रिलेटेड और भी बहुत सारे अपडेट्स के बारे में, तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, इस वीडियो के लिंक के ऊपर आई बटन मिल जाएगा, इस वीडियो को चेकआउट करना काफी अपडेट्स है इस वीडियो में
एंड अब देख सकते हो अपने स्क्रीन में हमारे हेलोविन के थीम के कुछ टोकन्स निकल के आए हुए जो हमें हेलोविन इवेंट टाइम देखने को मिलेंगे। एंड ये हेलोविन के हैं प्लस दीपावली के थीम पे, तो इस बार हमें हेलोविन का इवेंट देखने को मिलेगा प्लस दीपावली का इवेंट देखने को मिलेगा जो कंफर्म है। टोकन से निकल के आया तो कंफर्म हो चुका इवेंट, बस कुछ दिन वेट कर लो इसके अपडेट्स भी निकल के आ जाएंगे, मतलब कौन से कॉस्ट्यूम्स आने वाले, कैसे कैसे आइटम बिल्कुल फ्री मिलने वाला, सब कुछ सब ग्रेडेड कंफर्ट शेयर करूंगा, क्या क्या कैसे 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 कब मिलेगा सब कुछ। तो हाँ भाई बहुत अपडेट शेयर करूंगा। और अभी दोस्तों स्क्रीन में ग्लोबल स्क्रीन, एंड ये ग्लोबल स्क्रीन बताया जा रहा है हेलोविन के थीम पे रहने वाला है, एंड ये ग्लोबल स्क्रीन हमारा रहने वाला है इवो A9 के थीम पे। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, मतलब इवो A9 पे ग्लोबल स्किन है और ग्लोबल स्किन देखने को मिलेगा हेलोविन के टाइम। तो शायद से ये जो आइटम्स है ना इवो A9 के, ये सारे आइटम्स हमें हेलोविन के टाइम देखने को मिलने वाले हैं। और हेलोविन कब आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो जाके गूगल में सर्च कर लो 2022 हेलोविन डेट करके, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो उसी के आसपास हमें इवो A9 देखने को मिलेगा, एंड इवो A9 जब देखने को मिलेगा उस टाइम हमें देखने को मिलेगा ये आइटम। सबसे पहला आइटम देखते आप लोग ग्लोबल स्किन, एंड काफी ज्यादा नॉर्मल है पर ठीक ठाक लग रहा है। और सेकंड आइटम देखते तो बैकपैक स्किन, एंड ये भी नॉर्मल है ठीक ठाक लग रहा देखने में, फ्री मिल सकता है। थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह देना चाहिए था बैकपैक स्किन में, मतलब दे सकता था ग्रेनेड, नॉर्मल रख दिया, लगता है बिल्कुल फ्री देना चाहता है इसलिए, पर फिर भी यार फ्री देना से क्या दिक्कत, थोड़ा सा इफेक्ट दे सकता था पर नहीं दिया। लेकिन हाँ ये बैकपैक स्किन बिल्कुल फ्री मैं कन्फर्म बोल सकता हूँ देखने को मिल जाएगा। एंड एक देते वो स्किन जो आप स्क्रीन में देख सकते हो, और इसका रिव्यू मैंने आपको 2-4 दिन पहले कर दिया था, और ये बिल्कुल फ्री नहीं मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा सही इफेक्ट दिया गया आप स्क्रीन में देख सकते हो, तो ये बिल्कुल फ्री नहीं मिलेगा, स्किल डायमंड पे करना पड़ेगा। एंड कौन सा इवेंट में देखने को मिलेगा कन्फर्म नहीं है, पर इवो A9 के थीम पे ये आइटम से ये कन्फर्म है। और एक बाइक का स्किन जो बहुत ज्यादा ओपी बनाया गया, और इसके लिए आपको अच्छा खासा डायमंड पे करना पड़ेंगे, कौन से इवेंट में आएगा कुछ कन्फर्म नहीं है, पर बाइक स्किन अब तक का सबसे बेस्ट बाइक स्किन होने वाला है, एंड रिव्यू में काफी पहले शेयर कर दिया था आप लोगों को मालूम ही है। तो हाँ भाई, एंड इवो A9 थीम पे पहला कॉस्ट्यूम जो आप लोग फीमेल का रहने वाला है, एंड कॉस्ट्यूम भी रहने वाले, मतलब आज तक हमारे इवो गन्स आए हैं उसके ज्यादा आइटम्स ही रहते हैं, कॉस्ट्यूम ज्यादा नहीं रहते हैं, पर कॉस्ट्यूम भी है एंड आइटम्स सबको देख के तो भाई मेरे को लगता है हेलोविन के रहने वाले। और ये एक बड़ा इवेंट होने वाला है, जैसे हमारा कोबरा का इवेंट था ना बड़ा इवेंट, उस तरीके से कुछ ये बड़ा इवेंट होने वाला है, पर अभी कंफर्म नहीं एकदम 100%, पर जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, तो ज्यादा नहीं है कुछ दिन वेट करना, सब अपडेट निकल आएंगे सब शेयर करूंगा। एंड कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा ओपी लग रहा है, इफेक्ट वगैरह काफी सही लग रहे हैं। एंड अब जैसे स्किन में हमारा फीमेल के बाद मेल कॉस्ट्यूम, एंड ये तो भाई बहुत ज्यादा जेर लग रहा है, मतलब फुल कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा जेर लग रहा है, अलग अलग सेक्शन मतलब पहनोगे तो बेकार ही लगेगा, जैसे आप देखते रिव्यू, पर फुल अगर पहनते हो तो बहुत ज्यादा ओपी लगेगा। एंड हाँ भाई काफी हैवी कॉस्ट्यूम है। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो हमें इवो A9 के थीम पे देखने को मिलेंगे, एंड इवो A9 का थीम और ये आइटम्स को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि ये सारे आइटम्स और इवो A9 हमें हेलोविन टाइम देखने को मिलेंगे, पर कंफर्म मैं आपको अभी 36 का अपडेट के दिन ही बता पाऊंगा, पर पॉसिबल अपडेट है कि भाई हाँ हेलोविन टाइम हमें ये आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, एंड काफी ओपी आइटम्स हैं। और इवो A9 का मैंने फुल रिव्यू कर दिया था, पर फिर भी आप स्क्रीन में देख सकते हो इवो A9 का इमोट मैक्स लेवल पर देखने को मिलेगा, एंड इवो A9 भी काफी ज्यादा ओपी है, आप लोग रिव्यू पूरा देख ही सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमें इवो गन देखने को मिलने वाला है वो इवो A9 नहीं होने वाला है, वो रहने वाला है हमारा इवो M4A1 जो 100% कंफर्म है, एंड इवो M4A1 निकले हुए मिनिमम 2-3-4 महीने हो गए, मतलब 2-3 अपडेट पहले निकल आया हुआ है इवो M4A1, तो कंफर्म है नेक्स्ट इवो M4A1 देखने को मिल जाएगा न्यू इवो गन में, एंड उसके बाद देखने को मिल जाएगा इवो A9, और इवो A9 अक्टूबर के लास्ट में आएगा और सितंबर के लास्ट में हमें देखने को मिल सकता है इवो M4A1, कंफर्म नहीं है पर देखने को मिल जाएगा ओवी 36 के बाद, इतना कंफर्म है न्यू इवो गन में पहला होगा इवो M4A1। आप लोगों को मालूम है हर एक अपडेट में एक ना एक दो आते ही न्यू इवो गन, तो कंफर्म हमें नेक्स्ट जो इवो गन देखने को मिलेगा न्यू इवो गन ओवी 36 के बाद वो रहेगा हमारा इवो M4A1, एंड उसके बाद देखने को मिल जाएगा इवो A94, कंफर्म 100%। तो काफी बंदे बोलते भाई इवो M4A1 कब आएगा, तो भाई एकदम कंफर्म पॉसिबल अपडेट है ये, तो कुछ दिन वेट कर लो ना यार, जैसे अपडेट होगा एकदम कंफर्म डेट निकल के आ जाएंगे, शेयर कर दूंगा। एंड ये तो हो गया हमारे न्यू इवो गन्स, और जैसा कि मैं भी बोला था नेक्स्ट ओल्ड रिटर्न इवो गन वो रहने वाला हमारा इवो M40 और इवो M10, उसका पॉसिबल डेट आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट न्यू इवो गन रिलेटेड मैंने आपको अपडेट शेयर कर दिया जितने निकल गए थे सारे, तो कुछ डाउट है बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अभी जो वीडियो देख रहे हो और एक लाइक नहीं किया तो यार प्लीज एक लाइक कर देना, एंड अगर न्यू हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रख लो, क्योंकि अभी जो अपडेट मैंने शेयर किया ये बस पॉसिबल अपडेट थे, पर कंफर्म अपडेट में निकल आएगा डेट निकल आएगा सब सबसे पहले जानना चाहते हो तो भाई करके रखे रहो, जाते जाते अपने एक फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करते जाओ, और मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके स्क्रीन में शो हो रहा है ना, क्लिक करो मजे करो।